कोनिचिवा मीनासान। सो आज हम करेंगे N5 का लेसन 10। इसकी वोकैबुलरी की वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, तो आज हम ग्रामर एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है नाउन गा पार्टिकल अरिमास एंड ईमास। अरिमास इज फॉर नॉन लिविंग थिंग एंड ईमास फॉर लिविंग थिंग। दिस सेंटेंस पैटर्न इज यूज टू इंडिकेट द एग्जिस्टेंस और प्रेजेंस ऑफ अ थिंग और पर्सन। The things or person in such a sentence is treated as the subject and marked with particle ga. इस sentence pattern में हम किसी living thing या non-living thing की existence बताते हैं, जिसे हम ga particle से mark करेंगे। So इसके कुछ example देखते हैं। Computer ga arimas means there is a computer. Sakura ga arimas, Sakura is cherry blossom tree. Ga arimas. ठीक। ओतोको नो हितो गा इमास, देयर इज अ मैन। इनू गा इमास, देयर इज अ डॉग। इनू मीन्स डॉग, जिसे हमने गा पार्टिकल से मार्क करा है, और इमास हो गया आपका लिविंग थिंग के लिए। सो इनू गा इमास। नेक्स्ट है इसमें नाउन 1 प्लेस नी पार्टिकल, नाउन 2 गा पार्टिकल अरिमास एंड इमास। The place where noun 2 is present is indicated by the particle ni. Noun 2 तो हो गया जो चीज के बारे में आप बात कर रहे हो। सपोज करो आपने किसी की के बारे में बात करी, वो आपका noun 2 हो गया, और place हो गया table। तो noun 1 आपका place है कि वो table के ऊपर है। Living thing या non-living thing के बारे में इस तरीके से हम इस sentence में बताएंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वाताशी नो हेया नी स्कूए गा अरिमास। वाताशी नो हेया मीन्स इन माय रूम या मेरा रूम। नी पार्टिकल से हमने उस प्लेस को मार्क कर दिया। स्कूए इज डेस्क, गा पार्टिकल एंड अरिमास। सो देयर इज अ डेस्क इन माय रूम। जिमुशो नी मीरा सान गा इमास। जिमुशो हो गया आपका ऑफिस, वो प्लेस है जिसे हमने नी पार्टिकल से मार्क करा। मीरा सान पर्सन, गा इमास यानी वहां पे हैं। मिस्टर मिलर इज इन द ऑफिस। यू कैन आस्क व्हाट और हु इज प्रेजेंट एट इन द प्लेस बाय यूजिंग दिस पैटर्न। द इंटरोगेटिव नानी इज यूज्ड फॉर थिंग्स एंड दारे इज यूज्ड फॉर पर्सन। इस पैटर्न में आप किसी पर्सन के बारे में भी पूछ सकते हैं, लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग के बारे में भी पूछ सकते हैं कि वो चीज़ कहाँ है या वो इंसान किस तरफ है। नानी यूज करेंगे हम थिंग्स के लिए और दारे हम यूज करेंगे पर्सन्स के लिए। फॉर एग्जांपल देखते हैं। चिका नी नानी गा अरिमास का रेसुतुरोम गा अरिमास। व्हाट इज देयर इन द बेसमेंट, देयर आर रेस्टोरेंट्स। चीका हो गया आपका बेसमेंट, नी पार्टिकल से आपने उस प्लेस को मार्क कर दिया। नानी हमने पूछा थिंग्स के लिए, यानी कौन सी चीज। गा अरिमास नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने गा अरिमास का यूज किया। सो व्हाट इज देयर इन द बेसमेंट, रेस्टोरों गा अरिमास यानी वहां पे रेस्टोरेंट्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। उकित्सुके नी दारे गा इमास का किमुरा सान गा इमास। हु इज एट द रिसेप्शन डेस्क, रिसेप्शन डेस्क पे कौन है, मिस किमुरा सान इज देयर। नेक्स्ट पैटर्न है आपका नाउन 1 वा पार्टिकल, नाउन 2 प्लेस, नी पार्टिकल अरिमास एंड इमास। द स्पीकर